नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आज मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच आईपीएल 13 का फाइनल खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस हालांकि चार बार चैंपियन बन चुकी है और एक बड़ी टीम है, बड़े खिलाड़ियों से सजी हुई टीम है, तो वहीं अगर दिल्ली कैपिटल की बात करें तो नौजवान खिलाड़ी हैं और पहली बार दिल्ली कैपिटल फाइनल में पहुंची है। तो अब सवाल ये है कि आखिर अगर दिल्ली चैंपियन बनेगी मुंबई के सामने, मुंबई के धुरंधर खिलाड़ियों के सामने, तो आखिर वो क्या वजह हो सकती हैं जिसके वजह से दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस को हरा सकती है। तो आज हम आपके सामने कुछ वजह रखेंगे, कुछ कारण रखेंगे कि इस वजह से आप भी समझ सकते हैं कि हाँ, इस वजह से दिल्ली कैपिटल मुंबई को हरा सकती है। सबसे पहली बात, शिखर धवन का बल्ला, क्योंकि शिखर धवन बड़े मैचों के प्लेयर हैं। आप सबको पता है आईसीसी टूर्नामेंट में शिखर धवन का बल्ला हमेशा चलता है, तो वहीं क्वार्टर फाइनल टू में हैदराबाद के खिलाफ जिस तरह शिखर धवन का बल्ला चला वो भी सभी ने देखा। शिखर धवन बड़े मैचों के प्लेयर हैं और आज भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ शिखर धवन का बल्ला खूब रन उगलेगा और शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी करेंगे और पिछले मैच की तरह ही दिल्ली कैपिटल को शानदार शुरुआत दिलाएंगे। ये एक फैक्टर है। नंबर दो फैक्टर है कि मार्कस स्टोइनिस पिछले मैच में भी की फैक्टर साबित हुए थे दिल्ली कैपिटल के लिए। हैदराबाद को हराने में मार्कस स्टोइनिस की एक अहम भूमिका थी। पहले शिखर धवन के साथ एक अच्छी साझेदारी की, ओपनिंग अच्छी की, दिल्ली कैपिटल को एक अच्छी शुरुआत दिलाई और जब बाद में गेंदबाजी की बात आई तो वहाँ पर भी मार्कस स्टोइनिस ने शानदार गेंदबाजी करके 3 विकेट लिए और दिल्ली कैपिटल की जीत में एक अहम किरदार निभाया। तो मार्कस स्टोइनिस भी आज की मैच में दिल्ली कैपिटल के लिए एक तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। तो वहीं तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं अश्विन। आर अश्विन एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और दिल्ली कैपिटल के खेमे में अश्विन की गेंदबाजी, अश्विन का तजर्बा काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि आर अश्विन को पता है कि मैच किस तरह से जीते जाते हैं, किस तरह से विकेट चटकाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विन दो बार की चैंपियन, चेन्नई सुपर किंग जब दो बार जीती थी तब अश्विन चेन्नई की टीम में थे, तो अश्विन को पता है कि फाइनल में दबाव किस तरह का रहता है, फाइनल में गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। तो अश्विन के पास वो तजर्बा है कि फाइनल में कैसे गेंदबाजी करके अपनी टीम को जिताया जाता है। तो अश्विन भी आज के मैच में एक की फैक्टर साबित हो सकते हैं। उसके बाद में चौथा फैक्टर हमारे नज़र में है रबाड़ा। रबाड़ा ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे और रबाड़ा भी शानदार गेंदबाज हैं। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज बड़े मैचों का प्लेयर है और उसको पता है, इस गेंदबाज को पता है किस तरह से यॉर्कर मारनी है, किस तरह से किस बल्लेबाज की क्या कमी है, क्या खामियां हैं, कैसे विकेट निकाले जाते हैं शुरुआती ओवर में, किस तरह से खिलाड़ियों को आउट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुंबई इंडियंस के ओपनर क्विंटन डिकोक भी दक्षिण अफ्रीका से हैं, तो रबाड़ा को भली भांति ये पता है, ये मालूम है कि क्विंटन डिकोक कहाँ पर कमज़ोर हैं और रबाड़ा उस कमी का फ़ायदा उठा सकते हैं और क्विंटन डिकोक का जल्द विकेट लेकर मुंबई इंडियंस को पीछे धकेल सकते हैं, उनकी जो शुरुआती मजबूती है उसको कमज़ोर कर सकते हैं। तो रबाड़ा एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं दिल्ली के लिए। तो ये 4 कारण थे जो हमें लगता है कि दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ सकते हैं। वैसे अगर इस आईपीएल 13 की बात करें तो मुंबई इंडियंस के और दिल्ली कैपिटल के बीच 3 मुकाबले हुए हैं, 2 लीग मैचों में और एक पहला क्वार्टर फाइनल हुआ था, तो तीनों ही मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को जीत मिली। जाहिर तौर पर कागज़ों पर तो मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल से कहीं बेहतर है, कहीं ज़्यादा ताकतवर है और अगर आंकड़ों की भी बात देखें तो भी मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन जो मैच होता है उस दिन कौन खिलाड़ी किस तरह का खेलता है, ये एक बड़ा फैक्टर होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद मुंबई इंडियंस ये करके दिखाएगी कि वो पहली बार फाइनल में पहुंची है और पहली बार फाइनल में पहुंचते ही मुंबई इंडियंस खिताब की भी दावेदार बनेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये 4 फैक्टर्स सही साबित होंगे, क्या ये 4 फैक्टर काम करेंगे? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।